दोस्तों नमस्कार। मेगा हाईवे पर प्राइवेट बस व ट्रेलर के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें बस में सवार 5 से 7 सवारियां घायल हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। 108 एम्बुलेंस ने घायलों को गुड़ामालानी हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी डाबड़ गांव के पास की है। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जानकारी मिलने पर गुड़ामालानी पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया। वहीं 2 गंभीर घायलों को बाड़मेर रेफर कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि बस में सवारियां 35 से 40 सवारियां थी। पुलिस के जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को करीब 6 बजे प्राइवेट बस गुड़ामालानी से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 2-3 किलोमीटर दूर डाबड़ गांव के पास पहुंची। इस दौरान ट्रेलर व बस में बीच में आमने सामने टक्कर हो गई। बस में सवार करीब 1 दर्जन पैसेंजर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस व पुलिस को सूचना दी। 108 पायलट बाल किशन व इमिट्टी टिकमाराम मौके पर पहुंचे। घायलों को गुड़ामालानी हॉस्पिटल पहुंचाया। हाईवे पर हादसा होने से लंबा जाम लग गया। गुड़ामालानी पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर करीब 1 घंटे की मशक्कत से जाम को खुलवाया। गुड़ामालानी थाना अधिकारी सुरजाराम जाखड़ के मुताबिक घायलों को गुड़ामालानी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गंभीर घायल केसाराम उम्र 53 वर्ष पुत्र मंगनाराम व मांगीलाल का प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर कर दिए गए हैं। वहीं मामूली चोट लगने वाले पैसेंजर का इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जुड़े रहे हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर के लिए अशोक शेरा टीम से। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। ये बता रहा है।